तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से पैशन प्रो नाम से एक बाइक आता है। और ये वाला जो बाइक है देख ही सकते होगे, देखने में कुछ इस तरीके का है। और ये वाला बाइक आज से बहुत दिनों पहले से ही आ रहा है, लेकिन भाई अभी एक न्यू बातें सामने आया है जो की है ये जो पैशन प्रो जो है ना, तो इसका ये एक्सटेक वाला वेरियंट आने वाला है। और जैसे की आप लोग अभी देख ही सकते होंगे की ये जो एक्सटेक वाला वेरियंट है, तो इसका जो लुक है ये भी एक डिफरेंट टाइप का होने वाला है। और आगे वीडियो को पूरा देखते रहो क्योंकि आज के इसी वीडियो का हम लोग इसी न्यू एक्सटेक वाले वेरिएंट के ही बारे में बातें करने वाले हैं पैशन प्रो के। और ये भी जानने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू पावर एंड फीचर्स देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी देख ही सकते होंगे कि आपके सामने है एकदम ही एक डिफरेंट लुक के साथ साथ एक न्यू हीरो पैशन प्रो एक्सटेक वाला मॉडल। और जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये वाला जो मॉडल है ना, तो ये देखने में एकदम ही एक डिफरेंट टाइप का मॉडल लगता है, मतलब आज की डेट के हीरो पैशन प्रो के तुलना में। बाकी तो ये वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको कई सारा कुछ चीजें न्यू देखने को मिलने वाले है, जिसके अंदर इस बाइक का जो लुक है ना तो वो भी शामिल है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये वाला जो लुक है ना, तो ये देखने में काफी ज्यादा एक बेहतरीन सा तो है ही, और उसके ही साथ साथ आज के डेट के पैशन प्रो के तुलना में काफी ज्यादा अलग भी लगता है। और इसके अलावा ये वाला जो न्यू लुक है ना, तो ये भी देखने में एक फ्यूचरिस्टिक सा मतलब लगता है। बाकी तो इसी लुक को देखने के बाद तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि ये वाला बाइक किसी इंडियन मार्केट के अंदर इसी लुक के साथ आने के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज्यादा एक चहिता वाला मॉडल ये बनने वाला है। और उसके ही साथ साथ ये जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स है ना, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा एक बेहतरीन सा ऑप्शन है, मतलब ये जो बाइक है ये देखने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। और उसके ही साथ साथ ये वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप भी देखने को मिलने वाले हैं, तो वो भी एकदम एक डिफरेंट टाइप का देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग अभी देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक का जो हेडलाइट वाला पार्ट है, तो ये तो पूरे तरीके से एलईडी के अंदर है, लेकिन इस हेडलाइट वाले पार्ट के ही अंदर ना देख ही सकते होंगे कि ये जो दोनों लाइट्स जो दिया गया है ना, तो वो देखने में कुछ तो ऐसा ही लगता है कि ये एक प्रोजेक्टर टाइप वाला कुछ सेटअप है, मतलब कि ऐसा ही कुछ लगता है देखने में। बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा ना, तो वो ये टर्न इंडिकेटर्स को छोड़ के बाकी सारा कुछ एलईडी के अंदर अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर भी अभी आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो वो भी एक पूरे तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल, जैसे कि आप लोग अभी देख ही सकते होंगे। और इसी डिजिटल वाले मीटर कंसोल के अंदर आपको कई सारा कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ये जो रियल टाइम माइलेज है, या फिर जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है, या फिर ये जो फोन कॉल अलर्ट एसएमएस अलर्ट है, तो ये सारा कुछ चीजें आपको देखने को मिलने वाले हैं। और उसके ही साथ साथ ये जो टाइम है, या फिर ये जो ओडोमीटर ट्रिप मीटर है, या फिर ये जो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ये फ्यूल गेज है, मतलब ये सारा कुछ चीजें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी और भी कई सारा कुछ चीजें बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, i3s वाला भी फीचर। और इसके ही साथ साथ जैसे कि देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे ये देख ही सकते होंगे कॉयल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो यही। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो इंजन वाला पार्ट है, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन जो कि 110cc वाला है, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 9.02 bhp। लेकिन अभी थोड़ा सा पावर इसके अंदर शायद से बढ़ने वाला है, मतलब अभी ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, तो वो है 9.89 nm। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको 4th speed का मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक USB चार्जिंग पोर्ट भी। और इसके अलावा इस वाले बाइक का आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, एक तो ड्रम ब्रेक के अंदर और एक डिस्क ब्रेक के अंदर, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग के जैसा कुछ सिस्टम के साथ आने वाला ब्रेकिंग सिस्टम होने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।